हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स. यहाँ पे देखिए, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. यूज़ करना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपको गिवन है फोर डिजिट नंबर. जो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर आपका होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा दी ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, ये आपका हो जाएगा, देखिए फोर पर आपका नाइन आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है फोर डिजिट के अंदर. क्योंकि इसके बाद आपका आ जाएगा 10,000 आएगा, जो कि आपका फाइव डिजिट का हो जाता है यहाँ पे. तो इसलिए आपका ये हम ये लेंगे यहाँ पे. इसी तरह थ्री डिजिट का लेना है आपको, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, ये आपका आ जाएगा 999 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका 1,000 आता है जिसके अंदर आपकी फोर डिजिट होती है. तो इसलिए आप यहाँ पे 999 लेंगे. देन यहाँ पे देखिए, आपको प्रोडक्ट करना है फाइंड. तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 999 इंटू आपका आ जाएगा ये 4/9. यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए फोर टाइम ऑप्स नाइन हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है होल नंबर की. एंड आपकी प्रॉपर्टी होती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर होता है यहाँ पे, देखिए ये आपकी होती है. यदि हमारा इफ ए कोमा बी कोमा सी इज होल नंबर, यदि हमारे यहाँ पे ये होल नंबर है, तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पे ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी. देखिए यहाँ पे, देखिए हम क्या करेंगे, जो ये 99 है इसको हम राइट कर लेंगे. यहाँ पे देखिए, लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. यहाँ पे हमने लेट किया, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 4 times 9 है आपका, एंड बी इज इक्वल टू मान लेते हैं आपका 3 times 9 है यहाँ पे. ये आपका 3 times 9 है यहाँ पे. इसको हम राइट कर सकते हैं 1000 minus 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 999. तो यहाँ पे देखिए, आपका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, देन आपका आ जाएगा 4 times of 9 इंटू बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 1000 minus 1 इज इक्वल टू, देखिए आपका ये यहाँ पे ए भी हो गया था आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4 times of 9 इंटू 1000 minus, ये आपका आ जाएगा 4 times of 9 इंटू 1 आपका हो जाएगा. देखिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे 19, ये 4 times of 9 की 1000 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सिंपली आपका ये हो जाएगा 4 times of 9 एंड 000 आपका आ जाएगा, माइनस ये आपका आ जाएगा 9 9. 1 के अंदर हम किसी की भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका 1 ही रहता है यहाँ पे, मतलब वही नंबर सेम इज इट सेम रहेगा आपका. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सिंपली माइनस कराना है इस डिजिट में से. यहाँ पे माइनस होने पर देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की कराना आपको आता है. यहाँ पे देखिए, यह आपका आ जाएगा 9989001. तो यहाँ पे आपका आ गया, हैंस यहाँ पे आपका हो जाएगा
प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट इज डबल 9 8 9 001। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। फीलिंग त भरा मेरा दिल,